बेटा ये क्या कह रही हो तुम? बैठे बैठे तूने लाहौर शहर जाने का प्रोग्राम बना लिया है? दिमाग ठीक है पुत्र तेरा? ओ पुत्र, सुम्बल के बारे में जब कलीम पूछेगा तो क्या जवाब दोगे? अब्बा, मैं कलीम को भाई की दूसरी शादी के बारे में सब बता चुकी हूँ। ये क्या कह रही है? तूने मुझसे पूछा? इसमें पूछने वाली क्या बात है? भाई कलीम इस घर का फर्द है, अब उससे कोई बात छुपी नहीं रह सकती। मातपुल, कलीम इस घर का फर्द नहीं है, कलीम इस घर का दामाद है, और दामादों से बहुत सी बातें छुपानी पड़ती है। इसने ये कहा है कि मेरा इतना पढ़ा लिखा भाई है तो उसके साथ पढ़ी लिखी बीवी होनी चाहिए। ये दुर्योधन तो उसके कदम के साथ कदम नहीं ना मिला सकती। बात तो सही है। लो अब बताएं, मैंने कुछ गलत कहा है अब्बा? वैसे दुर्योधन के साथ शादी करके ना अपने भाई पे जुल्मी की है बहुत बड़ा। हम क्या कह सकते हैं भाई, भतीजी की मोहब्बत ने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी, बस और कुछ नहीं। अल्लाह की कसम, अगर मुझे इतना डर है ना कि अगर सुम्बल को पता चल गया ना तो अल्लाह जाने केड़ा पुआड़ा पै जाना। वो तो फिर खुशखबरी, और ये खुशखबरी अगर सुम्बल की तरफ से आती ना तो मुझे ठंड पड़ जाती कलेजे में। पर सही कह रही है अम्मा, वैसे आप बिल्कुल सही कह रही है। कान खोल के मेरी एक बात सुन ले, तूने गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन ये बात जो है ना कलीम को अच्छी तरह समझा दें कि तबरेज की पहली शादी का जिक्र सुम्बल और उसके बाप के सामने हरगिज नहीं होना चाहिए, वरना मुझसे बुरा पुत्र कोई नहीं होगा, बता रहा हूं। कलीम पागल नहीं है। और बेटा पागल होते हैं, 3 मिनट लगते हैं। अच्छा समझा दूंगी मैं कलीम को। समझ नहीं आती उसको बताने की लोड़ क्या थी। अच्छा चले ना, अब ये सेब खाएं, हमें गुस्सा ना किया करे हाल में। और नहीं खाना सेब मुझे। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग। मुझे मुलाजा बता रही थी आज आप ऑफिस नहीं गए, क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक है? बेटा रात थोड़ी सी अनकंफर्टेबल गुजरी, बट आई एम ओके नाउ। डॉक्टर आदि से बात की थी, अपॉइंटमेंट ली है मैंने। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मुलाजमा बता रही थी कि आपकी तबीयत खराब है। नहीं बेटा आई एम फाइन। सुम्बल, तुम्हारी तबरेज से रात को कोई लड़ाई हुई, कोई झगड़ा हुआ? अरे नहीं सर, हमारे बीच में झगड़ा क्यों हुआ? सुम्बल ये लो क्या जूस। एक्चुअली सर, पिछले दिनों मेरी बहन की शादी हुई है, तुम अपने हस्बैंड के साथ कुछ दिनों के लिए यहाँ आना चाह रही है। जबकि मेरा और तबरेज का प्लान बना हुआ था मलेशिया जाने का डैड। आप तो जानते हैं, अगर मेरा प्लान कैंसिल हो जाए तो। बेटा छोटी छोटी बातों पे मूड ऑफ नहीं करते। देखो तुम लोगों की नई नई शादी हुई है, तबरेज की बहन अपने हस्बैंड से मिलवाना चाह रही होगी, ऐसे ही है ना तबरेज? जी सर एग्जैक्टली। देयर यू गो। बेटा ये सब जिंदगी का हिस्सा है, आने दो, एक दो दिन ठहरेंगे, इससे ज्यादा क्या ठहरेंगे। जी सर। क्या, मैं एजेंट से बात कर लूंगा, वो तुम लोगों का प्लान आगे कर लेगा, 2-3 दिन बाद का प्लान करवाए, देन यू कैन कैरी ऑन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा सर, आई एम गेटिंग लेट, मैं चलता हूँ। सुम्बल मुझे आज साइट पर जाना है तो आई विल बी अ बिट लेट। ओके बाय। ओके सर टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज। डैड आपने तबरेज की साइड क्यों ली? आपको मना कर देना चाहिए था।
अच्छा लड़का है बेटा, बहुत जिम्मेदारी से ऑफिस चला रहा है। आपको तो मैंने हजार मरतबा कहा ऑफिस आने का, लेकिन आप आते नहीं। आप है ना, अब तो तब्रेज भी है, आप मुझे मेरी लाइफ तो एंजॉय करने दे। इसीलिए कह रहा हूँ मेरे बच्चे, छोटी मोटी बातों को, उसकी बेजरर बातों को इग्नोर कर दिया करो, मान लिया करो, खुश हो जाएगा। और दूसरे उसके होने से मैं भी खासा टेंशन फ्री रहता हूँ। ओके डैड, जैसा आप कहें। मैं आपके लिए चाय बनाऊं? यस माय गर्ल। मुझे बताएं आपकी अपॉइंटमेंट कब है डॉक्टर से? 6 बजे कह रहा है, बट आई विल ट्राई इफ यू कैन मेक इट एट 4। प्लीज डोंट बी लेट, ओके? नो नो, वी नीड टू गो एज सून एज पॉसिबल। बहुत खूबसूरत है, इसके साथ मैंने ये वाला ट्राउजर रखा है, देखो सर। ये चुमके सारे मेरे ले जा, मैचिंग है सबके साथ कपड़ों के साथ। हाय कसम से अम्मा, बड़ी प्यारी। आप क्यों जा रही हैं इन लोगों के साथ? आपको तो यहीं रुकना चाहिए ना, आप मत जाएं साथ इनके। है मैं नहीं जाऊंगी तो सुम्बल को क्या पता कि नए जवाई को कैसे एंटरटेन करना है, कैसे उसकी खिदमत खातर करनी है। मैं जाऊंगी तो बताऊंगी ना, है ना? सब तो ठीक है हम, लेकिन अदन जी के बारे में भी तो सोचिए, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। आप भी चली जाएंगी तो वो सारे घर का काम अकेले कैसे संभालेंगे? लो तो ये मसला है, बड़ी फिक्र हो रही है भाभी जान की। इसका आसान हल बताऊं भाई मैं आपको? एक काम करें, शफक और खाला को बुला लें। क्यों, सही कह रही हूं ना अम्मी मैं? बिल्कुल सही कह रही है। जो ही वैसे मैंने अंदाजा लगाया, तुम्हें शफक और खाला जान से कुछ खास तकलीफ है। मैं सही तो कह रही हूँ, वैसे भी पहले भी तो आ जाया करती थी, 24 घंटे यही होती थी, और उनको काम करने में भी कोई मसला नहीं है। हाँ तो और मदद कर देंगी दुर्योधन की, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक, कम से कम मेरे दिल में तो कोई चोर नहीं है, जरूरत होगी तो बुला लो। अम्मा वो मैंने ये कहना था कि अगर आप खाला की तरफ जाकर तारीख के लिए कुछ मासाब, मैं ऐसा कहता हूँ कि बस आपकी वादा मोहतरमा और जूही लाहौर शहर से वापस आ जाए ना, तो हम चले चलेंगे कुत्सिया की तरफ, क्या कहते हो? लेकिन अब्बा जी मैं कह रहा था कि मासी जी क्या हो गया है, बहुत चलती है, कोई बात नहीं। अम्मा अब्बा लिख के ले ले, ये उर्फी भाई ना पहले जैसे नहीं रहे, निकल गए आप लोगों के हाथों से। सही कह रही है जूही, बिल्कुल सही कह रही है। और सफिया और जो तुम आराम से लाहौर शहर जाओ और जाके एंजॉय करो। और पुत्र जूही एक रिक्वेस्ट करूं, वैसे तो बहुत मुश्किल है, मुझे पता तूने अमल नहीं करना, पर फिर भी कोशिश करने में क्या हर्ज है। पुत्री उस घर को ना अपना नहीं समझ, माँ बे पुत्र कोई हाक नहीं जताना। वो जो सुंबल है ना, सुंबल बड़े पुठे दिमाग की है, बल्कि मैं तो कहता हूँ पुठे तरीन दिमाग की है। पुत्र एहतियात कर ली है, समझाना है इसको है? मैं आ रहा हूँ, जरा मैं कॉल कर लू एक। कोई हाल नहीं अम्मा अब्बा का, अपनी बहू से इतना डरते हैं? भाई मैं तो हक जिताऊंगी, मेरे भाई का घर है। होती होगी वो सुंबल उल्टे दिमाग की, मैं क्या करूं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? बिजी थी ना? मैंने तुमसे कहा था घर के काम मत करना, लेकिन नहीं सुनी तुमने। आपको कैसे पता? तो जाहिर है पहली कॉल अटेंड नहीं कर रही हो, इट मींस कि तुम काम में बिजी हो। काश तुम मेरे पास होती तो रहते। तुम्हारा इतना ख्याल रखता ना, तुम्हें काम के पास भी नहीं जाने देता। लेकिन तुम तो जानती हो ना, ये ऑफिस काम
बिजी इतना हूं कि टाइम ही नहीं है। हेलो हेलो, सुन रही हो ना? जी जी जी, मैं सुन रही हूं। तो कुछ बोलोगी नहीं? आप बोलते रहे मुझे अच्छा लगता। तुम्हें पता है कितने चुने अल्फाज तुम बोलती हो ना, बाद में उन्हें दिल में दोहराता हूं मैं, या तुम्हें याद करता हूं। अच्छा, वाकई आप मुझे याद करते हैं? क्या मतलब इस बात का कि तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? यकीन करना सीख लो, क्योंकि बहुत जल्द हमारा ये रिश्ता और भी मजबूत होने जा रहा है। भाभी, बात तो सुने जरा। अब जूही आ गई है, अब वो उसको शायद कुछ काम है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अरे सुनो, तुम भी तो कॉल मिली थी, जूही को भी अभी आना था। क्या भाई थे, क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, बस हालचाल पूछ रहे थे। अच्छा 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 अच्छा, भाभी वो आपके सोने के कंगन थे ना, वो मुझे चाहिए थे, पहनने का दिल कर रहा है। अच्छा मैं अभी लाती हूँ। जी मिस अमीम, आप ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं साकिब साहब के पास, उनसे कहें कि ये प्रेजेंटेशन में अपडेट करके मुझे ईमेल कर। ओके सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कुछ चाहिए? नहीं कुछ नहीं, थैंक यू। सर मैं सोच रहा था कि अभी आप मीटिंग अटेंड करके आए तो थक गए होंगे, तो सर कॉफी लें। वैसे बड़े साहब भी सर थकावट दूर करने के लिए कॉफी पीते थे। अच्छा ओके, वन अमेरिकन ब्लैक कॉफी। जी सर। सर आप कुछ खाएंगे साथ? क्या मिलता है यहाँ पे? सर जो आप कहें सर। ऐसा करो, जो एहसान साहब ऑर्डर करते थे ना, और जहाँ से ऑर्डर करते थे वहीं से ऑर्डर करो। जी सर मैं अभी करता हूँ ऑर्डर। थैंक यू सर। मैम एनेक्सी की सफाई कर दी है मैंने। गुड। अब ऐसा करो, जब तुम्हारे घर में गेस्ट आते हैं उनके लिए जो भी तुम अच्छा खाना बनाती हो बना लो। हम तो जी आलू चिकन का सालन बनाते हैं और साथ चावल बना लेते हैं, और कभी तंदूर से ताजी ताजी रोटी भी मंगवा लेते हैं, और मीठे में तो हलवा लाजिमी बनाते हैं। नहीं नहीं ये सब मत बनाना, तुम ऐसा करो उसको बुला के लाओ। जाओ। I might be running a little late. About 10. Busy thi na?
मैंने तुमसे कहा था घर के काम मत करना, लेकिन नहीं सुनी तुमने। काश तुम मेरे पास होती तो रहते ना, तुम्हारा इतना ख्याल रखता ना, तुम्हें काम के पास भी नहीं जाने देता। वो मैं पूछना ये चाह रहा था कि आपके चेहरे पे जो ये मुसलसल मुस्कुराहट है, इसकी वजह कहीं आपकी सास और नंद का इस घर से जाना तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आपको पता है मैं सोचती थी कि तब्रेज को मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं है। उन्होंने सिर्फ मुझसे तर्स खा के या फिर खानदान के दबाव में आकर शादी की, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तब्रेज तो दूर रहकर भी मेरे बारे में सोचते हैं, मुझसे कहते हैं कि मैं अपना ख्याल रखा करूं। क्या ऐसा तब्रेज ने खुद कहा है क्या? आपको पता है अब तो वो मुझे कॉल भी करते हैं, मुझसे कहते हैं कि मैं घर के कोई काम ना करूं और सिर्फ अपना ख्याल रखूं। मुझे आपके सब्र का फल मिलना शुरू हो गया आपको? हाँ, तब्रेज ने मेरे वजूद को तस्लीम कर लिया। खादिम जी, मुझे लगता है ये जो आने वाला मेहमान है ये बहुत जल्दी आपकी किस्मत बदल देगा। और देखिएगा, जिस दिन वो इस घर में आ जाएगा ना, आपको वो जगह मिल जाएगी जिसकी आप मुस्तहिक हैं। अस्सलामुअलैकुम बाबा जी। जी जी, काम ही कर रही हैं। अच्छा, बिल्कुल ठीक है बाबा जी, मैं कह देता हूँ। जी 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 जी, हाफिज। क्या हुआ? इसे कहते हैं किस्मत का बदलना। बाजी का फोन आया था, कह रहे थे दुर्योधन काम तो नहीं कर रही। मैंने कहा जी कर रही है। उन्होंने कहा फौरन से कहो दुर्योधन से कि काम छोड़ दे और आराम करे, अब घर के काम वो नहीं करेगी। अच्छा? हाँ हाँ बिल्कुल। तो अब क्या होगा कि जो ये सारा काम है ये शबो करेगी, आप काम नहीं करेंगी, आप सिर्फ आराम करेंगी। ये अब्बा जी का हुक्म है। ठीक है? ठीक है, ख्याल रखें अपना। मुझे पता है तुम्हें कुछ भी बोलना बेकार है। तुमने कौन सा मेरी माननी? अगर अम्मी से खुद ही बात करूंगा और उनसे कहूंगा कि तुमसे घर का कोई भी काम न ले, बल्कि ये भी कहूंगा कि तुम्हारे लिए एक मुलाजमा रखें जो सिर्फ तुम्हारी खिदमत करे। सुम्बुल? सुम्बुल, मेरी बहन शादी के बाद फर्स्ट टाइम अपने हस्बैंड के साथ आ रही है, तुम थोड़ा सा तो तैयार हो जाओ। मैं जैसी हूँ ठीक हूँ तब्रेज, उनके वेलकम के लिए मैं क्या करूँ? ज्वेलरी पहन लूँ, मेकअप कर लूँ? यार मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना, लेकिन फिर भी अच्छा बस ज्यादा मुझे फोर्स मत करो। सॉरी मैंने तुम्हारा प्लान चेंज किया, पर आई प्रॉमिस आज के बाद तुम्हारा कोई भी प्लान चेंज नहीं करूंगा। इनफैक्ट तुम देखना, जब मलेशिया जाएंगे ना, मलेशिया में हम बहुत एंजॉय करेंगे। अब हम कहीं नहीं जा रहे तब्रेज। क्यों? बस मेरा मूड नहीं। सुम्बुल यार, तुमने so excited about it यार, तुमने क्यों चेंज कर दिया? खैर तुम्हारी मर्जी है। अच्छा अपना मूड ठीक कर लो प्लीज, मेहमान आने वाले हैं। अम्मी और बहन ने तुम्हारी बहुत तारीफें की हैं,
प्लीज उनसे थोड़ा थोड़ा अच्छे से पेश आना। या मुझे डैड ने सब समझा दिया। सर बहुत अच्छे हैं, हमेशा मेरी बात का मान रख लेते हैं। लिसन तबरेज, कोशिश करना कि वो ज्यादातर नेक्सी में ही रहें। मुझे यहाँ डिस्टर्बेंस पसंद नहीं होगी, यू नो दैट राइट? समझा दूंगा मैं। गुड। अच्छा सुम्बुल, प्लीज यार थोड़ा सा तैयार हो जाओ मेरे लिए, प्लीज। आजो 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 आजो। ये जो सारी लहरें बहरे तुम लोग देख रहे हो ना, ये सब मेरे बेटे की मेहनत का नतीजा है। तो और क्या, वो तो दिखाई भी दे रहा है। ये पीछे तीनों गाड़ियों ने की थी। हाँ उसी की समझो, अभी देखना तुम लोग ने इतनी सैरें करनी है, तुम्हारा इतना अच्छा वक्त गुजरने वाला है। और ये देखा पानी वाला तला है, इसमें भी तुमने नहाना है। निकल लेके आया लंबी वाली। अम्मा सारी बातें इधर ही करोगे, चलो अंदर चले। भाई अस्सलाम वालेकुम। लोगों का आना जाना लगा रहता है, मैंने सोचा कि आप लोग डिस्टर्ब होंगे, एनेक्सी में आराम से रहें, एंजॉय करें। हाँ ठीक है, सही है। आए चले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आए आए आए। अच्छा भाभी, मैंने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए। अच्छा तुम रीडिंग करो, मैं आकर चेक करती हूँ अभी। बीबी जी। बीबी जी क्या हुआ? आज मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, आप ना आज मुझे जल्दी छुट्टी दे देंगी? मैं ना घर में खाना भी नहीं बना के आई, वो बेचारी भूखी प्यासी मेरा इंतजार कर रही होगी। कमाल करती है, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर अम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी तो आज छुट्टी कर लेती हैं आप। छुट्टी कैसे कर सकती थी जी, आपकी भी तो तबीयत अच्छी नहीं है। अच्छा आप ये छोड़ें, जाएं घर जाएं, छुट्टी कर लें। आपकी मेहरबानी, अल्लाह आपको खुश रखे जी। अच्छा सुने जी, वहाँ से वो डब्बा लेकर आए, खाना तैयार है, मैं आपको खाना दे देती हूँ। अब जाएंगी बनाएंगी, पता नहीं कब तैयार होगा। ठीक है जी। कहने बीबी जी, ये लीजिए। अल्लाह आपको खुश रखे जी, आप बहुत ख्याल करती हैं गरीबों का। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। भाभी ये आपने क्या किया, एक तो उसको जल्दी छुट्टी दे दी है और साथ में खाना भी। आपको नहीं पता ये लोग ना बहुत ड्रामेबाज होते हैं, ऐसे ही बहाने करते हैं जल्दी छुट्टी के लिए। और अगर ये सच हुआ तो? कोई गरीब हो अमीर हो, सबके दुख सबके तकलीफ एक ही जैसी होती है। अगर वो सच में परेशानी में हुई और हमने उसकी मदद ना की तो खुदा के आगे जवाबदेह होंगे हम। और अगर उसने झूठ भी कहा है तो ये उसका और खुदा का मामला। आई समझ? भाभी आप बहुत अच्छी हैं। तुम भी बहुत अच्छे हो, पढ़ो अब। Thank you.
मुझे ये बता कि किधर तेरी बेगम साहब पंज फूला रानी। सच्ची बात है, मुझे उससे बहुत गिले। क्यों अम्मा, आप यहाँ पे इतने आराम से रह रही हैं? सारी आसाइशें आपके लिए मौजूद हैं, आप जो चाहती हैं आपके सामने हाजिर हो जाता है। अब इसके अलावा और क्या चाहिए आपको? इसके अलावा तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, इतना काफी नहीं होता? भाई हम आए हुए हैं, सास ससुरा आए हुए हैं, ननान आई हुई है, नंदोई आया हुआ है, कोई गिफ्ट दे, कोई अगे पीछे फिरे, कोई खिदमत करे, ये क्या हुआ? जब दिल किया बैग लटकाया था निकल गई। सुम्बुल ऐसी लड़की नहीं है माँ, उससे आप इन सब चीजों की उम्मीदें मत रखें। जूही और उसके शौहर को यहाँ रहने की इजाजत उसने दी हुई है ना, जिस गाड़ी में जूही शॉपिंग करने गई है ना, वो गाड़ी भी सुम्बुल की है। और जो पैसे जूही को मैंने शॉपिंग के लिए दिए, वो पैसे मैं सुम्बुल की कंपनी से कमाता हूँ। हाँ, इतना आसान मत होने की क्या जरूरत है? उनका काम करता है, फैक्ट्री संभाली हुई है, सारा बिजनेस संभाला हुआ है, तू तो शुक्रगुजारी से नहीं हटता। देख मेरी बात सुन, लगामे डाल के रख उसे, नुकसान उठाएगा वरना। वो सुम्बुल है अम्मा, दुर्योधन नहीं। ये बात आप याद रखिएगा। वाह जी वाह, दुर्योधन नहीं है, बात याद रखिएगा। हद नहीं हो गई? तो लगता है मुझे इस किलगा में खींचनी पड़ेगी। करती हूँ सीधा, समझती क्या अपने आप? हाँ आई बड्डी। वैसे जूही, मुझे लगता है कि हमें आपा के लिए भी कुछ ना कुछ ले लेना चाहिए। सबके लिए तो लिया है। क्या मतलब? तुम्हारे अम्मा अब्बा के लिए ले लिया, इतना काफी है। अब आपा अपने घर वाली हैं, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अरे नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। उनको भी तो पता लगे ना, उनकी भाभी कितनी महंगी जगह से खरीदारी करती है, और फिर ना आपा की ना ससुराल में धाक बैठ जाएगी और हमारी इज्जत तो होगी। अच्छा चलो ठीक है, ले लो जो कुछ भी लेना है। ये कितना प्यारा है ना कलीम। हाँ। सर इसमें कोई प्लेन प्रिंट होगा, ब्लैक कलर। जी जी मैं देख लिया। वैसे जूही, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हारा भाई इतना दौलतमंद होगा। फिर अब तो तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि तुमने किसी आम लड़की से शादी नहीं की। हाँ भाई, शहजादी हो तुम। कलीम वैसे एक बात बोलूं, बुरा ना मनाना, तुम्हारे छोटे से घर में ना मेरा दम घुटता है। पता है शादी से पहले मैं ज्यादातर तो भाई के भले से घर में गुजारती थी। अब तुम तो जानते हो ना उनका घर कितना बड़ा, हवादार और खुला है। और तुम्हारी थोड़ी सी तनख्वाह, उसमें मेरा कैसे गुजारा होगा? अब कुछ सोचो कलीम, कुछ करो मेरे लिए। हाँ हाँ सोचते हैं, अभी तो बहुत भूख लगी है, कुछ खिला ही दो। साथ ही खाने की पड़ गई है, समय करो, अभी मुझे कुछ और शॉपिंग करनी है, फिर खाते हैं। इतने पैसे तुम्हारे पास? या, बस मैं लंच करके निकल रही हूँ। हाँ हाँ आई नो, 4 बजे मैं वहां पहुंच जाऊंगी। ओके बाय। सुनो जी, मेरा लंच ही ले आओ। मैम वो आपका लंच तैयार था, वो जो तबरेज साहब की बहन है ना, वो ट्रे उठा कर ले गई और कह रही थी कि मैं यही खाऊंगी। व्हाट, उनका खाना तो तुम अलग बनाती हो ना? जी वो लोग तो 1 बजे खा लेते हैं खाना, अब आपके लिए ही बना था। ये टट लड़की, पहले मेरी इजाजत के बगैर मेरी घड़ी लेके और मेरा लंच, समझती क्या अपने आप को? आपका घर समझ रखा है? अभी पूछती हूँ। सुनो जरा जल्दी से मेरे लिए 2 कप चाय तो बना दो। ओ हेलो, मैंने तो आपको देखा ही नहीं, कैसी हैं आप? यू, तुमने मुझसे पूछे बगैर मेरा लंच कैसे खा लिया? हम भाई दिल कर रहा था खा लिया, इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? फिर से बना दो। मुझे एडवाइस देने की कोई जरूरत नहीं है, समझे तुम? पहले मेरी इजाजत के बगैर तुम मेरी गाड़ी लेके, अब लंच, मैं बाप का घर समझ रखा है तुमने? ये तुम मुझसे किस तरह बात कर रही हो? तुम जैसे लोगों के साथ मुझे इसी टोन में बात करनी चाहिए?
तुम लोगों की औकात में रखना चाहिए। सुम्बुल शट अप, जस्ट शट अप। जब ड्राइवर ने तुम्हें बोला था कि तुम मेरी गाड़ी नहीं लेके जा सकती, तुम क्यों लेके थे? हाँ, और भी गाड़ी है ना घर, तुम अपने हस्बैंड के साथ मेरे शौहर। शट अप, क्वाइट, जस्ट लिसन टू मी नाउ। तुम अपने स्टूपिड हस्बैंड के साथ बाहर घूमने चले गए हुई मेरी गाड़ी में। हाउ डेयर यू गो, जस्ट गेट आउट, आई सेड गेट आउट। तब्रेज़ से बात करनी पड़ेगी। Just get out! तब्रेज़ से खेल कर। पता नहीं अपने आप को समझती क्या है? चुड़ैल के कहीं ना हो तो हर वक्त अपने मुंह से बकवास ही करी जाती है। क्या हो गया? क्यों पूर्ण पटाखा बनी हुई है? क्लीम से लड़ाई हो गई है? अम्मा अपनी ये मक्कार और चलाक बहू को समझा दो, मैं किसी के फजूल की बातें सुनने की आदि नहीं हूँ। अच्छा सुम्बल ने कुछ कह दिया? नहीं दफा कर, सुन तो काट दे। क्यों निकाल दूं भाई, मैं कोई गिरी पड़ी हूँ? मैं उसी लहजे में बात करूंगी जिस लहजे में ये करती है मेरे साथ। पता नहीं किन हवाओं में है, मेरा भाई तो वैसे भी मजबूरी का रिश्ता निभा रहे, मोहब्बत तो अपनी पहली बीवी से करते है। क्या कहा तुमने? मैं तुमसे पूछ रही हूँ तुमने क्या कहा? सही कह रही हूँ। कुछ नहीं कुछ नहीं है, बकवास कर रही है। चुप करे, तूने क्या बकवास कर दिया? हाय मेरे अल्लाह, बर्बाद हो गए। हाय तेरे भाई का क्या बनेगा? मेरे अल्लाह मैं क्या करूँ? हाय मेरा, हाय इस्तबा हो गए। इसने मुझे थप्पड़ मारे अम्मा। हाय प्रभात, ये जुड़ा कैसे मुझे थप्पड़ मारने की? और आप भी देखती रह गई अम्मा, मुझे थप्पड़ मार के गई आपकी इकलौती बेटी को। मेरा दिल करता है जान ले लो इसकी। आ लेने दो भाई को, अब्बा को, सबको बताऊंगी मैं। चुड़ैल कहीं की ना हो तो, ये जानती नहीं हमारी नजर में इसकी हैसियत क्या है? इसी मजबूरी का रिश्ता निभा रहे हैं। भाई तो वैसे भी मोहब्बत अपनी पहली बीवी से करते, इसकी क्या औकात है उनकी नजरों में? तब्रेज़, किसकी कॉल थी? छोटा भाई था मेरा। चलो ना मूवी देखते। मुझसे शादी की ख्वाहिश रखने वाले बहुत थे, लेकिन मैंने सोच लिया था मैं शादी उसी से करूंगी जिसे देखकर मेरा दिल धड़केगा। तुम्हें देख के लगा जैसे मेरी तलाश खत्म हो गई। तब्रेज, क्या तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत होने लगी थी? हाँ हाँ बिल्कुल, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं भी तुम्हें पहली नजर में देखते ही दिलते बैठा था। सुम्बल कहाँ थे तुम? किससे बात कर रहे थे? कुछ नहीं, वो ऐसे ही वो ऑफिस में मीटिंग है ना, उसी के सिलसिले में कॉल आई थी। तुम सो रही थी तो इसलिए सोचा कि डिस्टर्ब ना करूं। नथिंग इम्पोर्टेंट। सच कह रहे हो? सही सी बात सुन रही हूँ। सो जाओ। सुम्बल आयु है नहीं, इतना परेशानी हो रही है मुझे, प्लीज। यहां तब्रेज़ से आपके और उसकी शादी के बारे में सवाल करने आया था, लेकिन आपको देखकर सारे जवाब मिल गए। क्या मतलब है आपका? आपके घर की ये शान और शौकत, आपकी दौलत,
सब चीजों ने तब्रेज की आंखों पर पर्दा डाल दिया। सही और गलत में फर्क करने से कासिर हो गया। नहीं जानता कि उसने ना सिर्फ आपके साथ ज्यादती की है बल्कि संभल दरवाजा खोलो बेटा संभल प्लीज संभल क्यों बेटा यू ओके व्हाट हैपेंड मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ क्या हुआ मेरे बेटा डैड क्या तब्रेज फ्रॉड फ्रॉड निकला और चीट ओके 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 पानी लेके आओ तो यहाँ यहाँ पे जाओ पानी लेके ओके ओके कम डाउन बस क्या करूँ बस अच्छा बैठो 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 बस कम डाउन अच्छा ही हो गया जो कलीम को सुबह ही जाना पड़ गया अगर वो यहाँ होते तो क्या इज्जत दे देती मेरी उनके सामने यू ही कोई होश कर पागलवन होश आप करें अम्मा मैं एक मिनट ही इस घर में रहूंगी अब सामान समेटे और चले मेरे साथ क्यों चलूं जिस आग में तूने मेरे बच्चे को जलाया उसे ऐसे जलता छोड़ के मैं चली जाऊं वाह वाह अम्मा रह यहाँ पे दरी मैं जा रही हूँ अच्छा अब किस मुंह से जाएगी तू सुबह जब कलीम जा रहा था उसके अब्बा की तबीयत खराब थी तूने कहा मैं नहीं जा सकती अब क्या जवाब देगी उसे मेरा दिमाग इस टाइम फट रहा है अम्मा मुझसे सवाल जवाब मत करें मैंने कह दिया मैं जा रही हूँ तो मैं जा रही हूँ अच्छा जा खसमानू खा जान दिए जा मैं नहीं जाऊंगी मेरा बेटा तकलीफ में है और मैं चली जाऊँ उसे छोड़ के ठीक है बैठी रहे फिर आप यहीं पे जा जा काम कर तू